सो है एवरी वन वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ प्रणम एंटरटेनमेंट और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था हाँ जी तो मेरी डिलीवरी की पूरी रियल स्टोरी और ये एकदम रॉ एंड रियल स्टोरी है कोई भी इसमें मैं मिक्स या फिर कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर रही हूँ जो मेरे साथ हुआ है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है सेम मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना प्रेगनेंसी मैंने जर्नी आपके साथ शेयर किया था अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूँगी तो प्लीज़ डू चेकआउट देयर आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है Video. So, uh, without much further delay, let's get started. तो सबसे पहले मैं शेयर करूंगी अपनी जो जर्नी है ट्वेंटी सेकेंड ऑफ दिसंबर से जो आपने मेरे व्लॉग में देखा आ, मुझे डॉक्टर ने कहा कि आपको ट्वेंटी सेकेंड ऑफ दिसंबर को आना है ट्वेंटी फ़र्स्ट को मैंने डॉक्टर को दिखाया था वहाँ मेरा डॉक्टर स्कैन हुआ था उसके बाद ट्वेंटी सेकेंड ऑफ दिसंबर को बुलाया गया मुझे मॉर्निंग में आठ बजे हाँ पूरी उन्होंने डिलीवरी की तैयारी से ही बोला था अपना बैग वगैरह सब कुछ लेके आना वो लोग डॉक्टर ने कहा था कि वो पेन इंड्यूस करेंगे सबसे पहले नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई करेंगे और मेरा भी मन यही था कि मैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए पहले ट्राई करूँ नहीं हुआ इन केस तो सी सेक्शन की तरफ जाऊँगी सो मॉर्निंग में ही uh, हम चले गए आठ बजे जैसा कि आपने ब्लॉग में देखा और एडमिट हो गई मैं वहाँ पर uh, मुझे रूम नहीं मिला था पहले सबसे पहले तो उन्होंने रिकवरी रूम में रखा उसके जस्ट बगल में लेबर रूम था इसलिए पहले रिकवरी रूम में मुझे पेन इंड्यूस किया गया uh, धीरे धीरे uh, पेन का जो लेवल है वो इंक्रीज किया गया इंजेक्शन दिए गए मुझे तो पहले टेन हंड्रेड था देन वन फिफ्टी टू हंड्रेड ऐसे करके इंक्रीज़ किया गया तो कुछ आ, पहले तो आ, एक घंटा हुआ मुझे कुछ भी पेन वगैरह नहीं हुआ फिर अराउंड टू थर्टी मतलब आ, दो या ढाई घंटे के आसपास मुझे थोड़ा सा पेन आया और वो आया था थर्टी सेकेंड्स के लिए आया था और फिर वो चला गया फिर आ, मुझे टाइम ड्यूरेशन जो भी था पेन का वो ना रिकॉ मतलब नोट करके रखना था डॉक्टर ने कहा था जितना भी टाइम पेन आएगा कब गया वापस से जब पेन आया तो कब आया वो सारा टाइमिंग जो है वो नोट करके रखना तो मैंने अपने फोन पे नोट्स कर रखा था नोट्स पे जाके और सब कुछ मैं नोट करके रखा था कब का मुझे पेन आया मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ थी तो वो भी देखती रही देख रही देख थी पेन वगैरह सारी चीज़ें नोट कर रही थी और आ, उसके बाद फिर मुझे जल्दी जल्दी पेन आना स्टार्ट हुआ हुआस फाइव मिनट्स में आ रहा है कभी सेवन मिनट्स में आ रहा है तो थर्टी थर्टी सेकेंड के ही पेन मुझे बहुत देर तक नहीं थर्टी थर्टी सेकेंड का पेन जैसे उन्होंने इनक्रीज करते गए पेन ज्यादा बढ़ता गया तो कुछ सेवन आवर्स का तक मैंने पेन पूरा अपना टॉलरेट किया पूरा सहा पेन और फिर डॉक्टर आई क्योंकि वो ओ में थी और वहां पे कोई ऑपरेशन चल रहा था तो डॉक्टर आई जो मेन डॉक्टर थी उन्होंने टेस्ट किया सो so वो एक्चुअली टेस्ट किया था कि सर्विक्स कितना ओपन हुआ है सो so उसका इंटरनल टेस्ट टेस्ट होता है थ्रू फिंगर और गाइस ट्रस्ट मी दैट वाज हॉरिबल बहुत ही खतरनाक वाला टेस्ट था आ, मेरी मदर लॉ भी डर गई थी क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा पेन हुआ था सो वहाँ पर जब टेस्ट किया तब मैंने पूरा सह लिया था उस टाइम पे ठीक है वो वाला टेस्ट ही मैंने सह लिया था तो डॉक्टर ने कहा था कि वो जो टेस्ट हुआ है वो नॉर्मल डिलीवरी का एक भी नहीं है आपको नॉर्मल डिलीवरी जो पेन होगा उसका एक भी नहीं है तभी मैंने हिम्मत नहीं आ रही उस टाइम पर मैंने थोड़ा सा रखा ठीक है ठीक है देखते हैं पर जब डॉक्टर ने बोला कि आ, आपका एक परसेंट भी आ, मतलब सर्विक्स ओपन नहीं हुआ है वन सेंटीमीटर भी नहीं हुआ है इवन मतलब मैंने सेवन आवर्स का पेन सहा उसके बाद भी आ, 1 उप, एक परसेंट एक सेंटीमीटर भी ओपन नहीं हुआ जबकि थ्री टू फोर सेंटीमीटर ओपन हो जाना चाहिए था और डॉक्टर ने यह भी कहा कि इतने पेन में तो डिलीवरी हो जाती है कुछ लोगों की आ, सो उन्होंने कहा कि आप चाहो तो एक दो घंटा और वेट कर सकते हो और ट्राई कर सकते हो, हो सकता कुछ मेरेकल हो जाए बट उन्होंने कहा कि हाँ अगर प्रोग्रेस की बात की जाए तो वन पर्सन भी प्रोग्रेस नहीं है आउट ऑफ हंड्रेड तो बहुत मतलब मेरे लिए बहुत थोड़ा सा वो था ना कि अब हिम्मत रखते हो अंदर बट एकदम डाउन हो जाते हो तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही वो दिक्कत वाली बात थी और मुझे थोड़ा सा मुझे टेंशन हो गया था यार कि मैं इतना पेन सहा अभी तुमने तो मैंने वन सेंटीमीटर भी एटलीस्ट ओपन होता तो थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता मेरी हिम्मत बढ़ती बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ फिर उन्होंने फिर ये मेरा ही डिसीज़न था मैंने एकदम से डिसाइड किया जैसे ही मैं लेबर रूम से बाहर आई टेस्ट करवा के मैंने सबसे पहले मेरी मदर इन लॉ को बोला नहीं मुझे सी सेक्शन में जाना क्योंकि एक परसेंट भी चांसेस नहीं है इसमें और पता लगा मैं वन आवर और पेन सहूँ वन आवर के लिए मैं तैयार थी बट वन आवर में मुझे लगता नहीं कोई मेराकल हो पाता और जो वो इंटरनल टेस्ट था वो बहुत ज़्यादा ही पेनफुल था तो मैंने चाहती थी कि दोबारा से मैं जो मुझे वो पेन सहना पड़े और उसके बाद मुझे फिर मैं सी सेक्शन में जाऊँ तो कोई भी मतलब नहीं है हालाँकि मैं स्टार्टिंग से ही दोनों के लिए ही रेडी रही हूँ ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी के डे फर्स्ट से ही जब जब से मुझे पता लगा था कि मतलब मैं प्रेगनेंट हूँ तब से ही मैं सी सेक्शन और आ, आ, नॉर्मल डिलीवरी दोनों के लिए, दोनों के लिए ओके ही थी और बहुत वॉक की थी मैंने अपना मतलब मैंने सब कुछ करा था वॉक करती थी मेरी ड्यूटी ऐसी है जॉब ऐसा है कि मेरा पूरा वॉक करने का था प्लस मैंने हाँ डाइट में कुछ भी खा बीच बीच में कुछ कुछ खाया मैंने फास्ट फूड बाहर का खाया जंक फूड्स खाए थे बट ठीक है वो सब लोग खाते हैं स्टार्टिंग में जब क्रेविंग होती है बट वो चीज़ मैंने बैलेंस भी कर ली थी एक्सरसाइज भी की थी क्योंकि मुझे सेवन मंथ से ही सेवन्थ और एट मंथ में एक्सरसाइज बिल्कुल मना कर दिया था तो हो सकता है वो रीज़न हो सकता है कि आ, वो एक्सरसाइज वगैरह मना करने जल्दी मना करने के वजह से ही मतलब मेरा नहीं हो पाया नॉर्मल डिलीवरी या वो रीज़न एक हो सकता है बट कुछ कुछ लोगों का होता है कि वो ड्यूरिंग नाइन्थ मंथ वो पूरा एक्सरसाइज करते हैं फिर भी उनकी नहीं हो पाती नॉर्मल डिलीवरी तो वो अलग चीज़ है आ, तो नाइन्थ मंथ में मैंने पूरी एक्सरसाइज की थी पूरी एक्टिव रही थी मैं फिर भी नहीं हो पाया तो मैंने ही डिसाइड किया कि नहीं मुझे आ, आ, करना है सी सेक्शन की तरफ जाना है प्लस आ, ऐसा था कि मेरे इन लॉज की तरफ से कोई ऐसा फोर्स नहीं था कि आपको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए किसी सेक्शन उन्होंने कहा आप तुम्हारी चॉइस है तुम जो करना चाहो और बस ये था कि मेरी मम्मी को था तो नॉर्मल डिलीवरी थोड़ा सा हो जाती है मुझे भी ऐसा लगता है कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाती तो थोड़ा सा अच्छा रहता है मतलब नथिंग uh, बोलते ना नथिंग इज़ बेटर देन नेचुरल तो नेचुरल तरीके से जो चीज़ हो अच्छी हो, हो जाए वो ज़्यादा बेटर है सो uh, so कोई बात नहीं आजकल सबका होता है तो फिर मैंने सी सेक्शन की तरफ गई और जैसे ही डॉक्टर ने बोला ठीक है आप अभी अच्छा हमने ये भी पूछा उनसे मेरी मदर इन लॉ ने पूछा कि ऐसा कर सकते हैं कि हम घर चले जाएं और फिर किसी और दिन सी सेक्शन करना ही है तो कोई उसकी डेट एक आ, हम लोग फिक्स कर लें अच्छा मुहूर्त वग़ैरह देख के देन जैसे लोग नॉर्मली करते हैं ठीक है तो बट उन्होंने कहा नहीं प्रोसेस स्टार्ट हो गई है ऑलरेडी मुझे ड्रिप ड्रिप वगैरह चढ़ गई थी फिर उन्होंने कहा कि बेटर होगा कि बेबी मैच्योर हो गया तो कोई मतलब नहीं है रुकने का तो आप आज ही करवा लो ठीक है फिर मुझे लगा चलो ठीक है अभी रूम मिलेगा तब तक मैं वहाँ रेस्ट करूँगी अपनी फैमिली मेम्बर से मिलूंगी बातें करूंगी, प्रत्येक बाहर थे पूरा टाइम मुझे उनसे भी मिलना था तो थोड़ा टाइम रहेगा कुछ ड्रिप्स वगैरह और चढ़ेंगी बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मुझे डायरेक्ट मतलब एकदम मुझे ओटी में ले जाया गया क्योंकि उसका रीज़न ये था कि जो मेरी डॉक्टर थी वो कहीं बाहर जाने वाली थी फॉर वन वीक और वन वीक के बाद तो मेरी ड्यू डेट ही हो जाती है तीस दिसंबर मेरी ड्यू डेट थी और वो जाने वाली थी इसलिए मेरा लास्ट ऑपरेशन था वो तो मेरा वो ऑपरेशन करके जाना चाहती थी ये चीज़ मुझे बाद में मालूम चली आ, तो इसीलिए उन्होंने जल्दी से उस दिन ही कर दिया और लेकर गए वो ओ में और फिर बस जैसी प्रोसेस होती वहाँ पर उन्होंने एक डॉक्टर आए थे मेल डॉक्टर उन्होंने एनेस्थीजिया दिया और एनेस्थीजिया थोड़ा पेनफुल होता है हाँ जी मतलब अब जो भी जो मदर वो डिलीवर कर रही है एक बेबी तो वो समझ सकती है कि कितना पेन स्टार्टिंग से ही सहना पड़ता है तो वो चीज़ एक पार्ट है बट वो खुशी होती है कि अब बेबी बहुत जल्दी आने वाला है सो so, मेरी मम्मी क्या घर पे थी क्योंकि मैं उनको लेकर नहीं गई थी आपको ब्लॉग में बताया था वो बहुत जल्दी डर जाती हैं तो क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी थी तो ऐसा हमारे यहाँ मानते हैं मम्मी को नहीं देखना होता है तो so, सो मतलब इसे कुछ गाँव में वगैरह मानते हैं तो मम्मी ने वही फॉलो किया मैंने कहा नहीं आप तो यहीं रहो और मदर इन लॉ को लेकर गई थी बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला प्रतीक मैंने बस प्रतीक से जल्दी मम्मी को लेके आ जाओ तो बस वो मम्मी को लेने आए और थोड़ा सा बाहर वेट किया और आई थिंक हाफ एन आवर या फिर 35 मिनट्स लगे होंगे और बेबी डिलीवर किया मैंने सो so, मैं एनेस्थीसिया दिया उन्होंने देन uh, मेरे को एकदम से सेंसेशन नहीं हुआ तो थोड़ा सा कट भी मारा डॉक्टर ने मतलब मुझसे पूछा कि सेंसेशन हो रहा है कुछ मालूम चला मैंने कहा हाँ मालूम चल रहा है कट मुझे तो थोड़ा सा और वेट किया देन मुझे मेरा पूरा पोर्शन जो है लोअर पोर्शन वो फिर सुन्न हो गया और तब मुझे कुछ भी मालूम नहीं चला क्या हो रहा है हाँ एक चीज़ थी शायद वो पेट में जो स्टमक में प्रेस करते हैं बेबी को निकालने के लिए वो चीज़ फील होती है कि हिलता है पूरा ऐसा करके ब्लड प्रेशर वग़ैरह की सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही थी कि ब्लड प्रेशर कितना है वो सारा मॉनिटर करते हैं वो लोग अच्छे से तो ठीक है फिर उसके बाद मालूम ही नहीं चलता है, इसी सेक्शन में क्या हो रहा है क्या नहीं नीचे कुछ भी अपना डॉक्टर्स अपना प्रोसेस करते रहते हैं उसके बाद जैसे मेरी बेबी डिलीवर हुई और डॉक्टर पास लेकर आई उन्होंने बोला आपकी बिटिया हुई है और यही सेम वर्ड्स से है उनके और मैं इतनी इमोशनल होगी मैं बहुत रो रही थी मतलब मुझे मेरे इमोशंस एकदम बाहर आ रहे थे क्योंकि साथ में मैं क्योंकि पूरी जो जब भी मुझे पेन हुआ है पूरा जब मैंने जो मेरी जब मैं बाईस को मैं ना एडमिट हुई थी तो आठ मतलब मॉर्निंग में साढ़े आठ से मुझे ड्रिप चढ़ना शुरू हुई थी सिर्फ और सिर्फ लोग भगवान को याद करते हैं मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने पापा को याद किया क्योंकि उन्हीं से मुझे हिम्मत हुई मैंने उनको आ, उनके जब वो एडमिट थे तो मैंने उनको ना बहुत पेन में देखा भाई ने भी बहुत पेन में देखा बट उन्होंने हिम्मत नहीं हारी शायद वो एक आमी पर्सन थे इसलिए उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वही चीज़ मैं अपने अंदर लेकर आई कभी मैंने ऐसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील नहीं किया फ़र्स्ट टाइम मैंने ना मतलब वो वो पूरा टाइम जो था मेरा डिलीवरी का मैं इतने स्ट्रॉन्ग फील कर रही थी मुझे लगा था कि ये तो बहुत छोटी सी बात है मतलब मेरे पापा ने जो सहा मतलब वो तो बहुत बड़ी चीज़ थी वेंटिलेटर में गए वगैरह वगैरह मतलब वो चीज़ मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी तो वो सब चीज़ें जो उन्होंने वहाँ पर सही उन्होंने हिम्मत बिल्कुल नहीं हारी जबकि कोविड में कितने लोग आ, हिम्मत हार गए थे और एडमिट होकर भी बहुत चिल्लाते थे नर्सेस भी चिल्लाते थे डॉक्टर्स को मारते थे ये सारी चीज़ें न्यूज़ में आती थी उस टाइम पे बट वो चीज़ मुझे बहुत हिम्मत दी है और वाकई मैंने किसी भगवान को किसी गॉड को मतलब मेरे लिए तो मेरे पापा आ, सब कुछ थे तो मैंने बिल्कुल भी किसी को याद नहीं किया उनको ही याद किया और सब कुछ होता गया मतलब जो मेरा नॉर्मल डिलीवरी मैंने जो पेन इंड्यूस किया था उसका पेन भी मुझे बहुत कम लगा मुझे इतना कुछ फ़ील नहीं हुआ और उसके बाद फिर सी सेक्शन में तो कुछ मालूम नहीं चला जब मैं बस बेबी को देखा रोने लग गई बस बेबी को बाहर लेकर आए और भैया को बताया सब लोग बहुत इमोशनल हो गए थे और उसके बाद फिर जब मैं बाहर आई तब मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगी मतलब मैं शिवर कर रही थी और नॉर्मल शिवर नहीं कर रही थी मैं बहुत ज़्यादा शिवर कर रही थी और नीचे पूरा ब्लैंकेट वगैरह रखा हुआ था मुझे सेंसेशन ही नहीं था पैर किस पोजिशन में है क्या है कैसे है उसके बाद जैसे मैं ब्लॉग में देखा मैं अच्छा हाथ से रही थी केक वेक कट रहा था मुझे कुछ भी मालूम नहीं चला था उसके बाद नेक्स्ट जब मुझे होश आया सेंसेशन कम होना शुरू हुआ हुआ लोअर पार्ट में तब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई थी मतलब बट जब बेबी का चेहरा बगल में बेबी लेटी होती थी उसको चेहरा देखती थी ताशू का तो मतलब सब कुछ भी भूल जाती थी कि नहीं नहीं और एक चीज़ मैंने गलती की उस टाइम उस टाइम पे क्योंकि आ, आ, मुझे फीड करवाना होता था तो उस टाइम पर मेरा मतलब मैं उठती थी और मुझे बैक सपोर्ट लेना बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि मैंने लगा था उसमें बैक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती चांसेस बढ़े आते हैं तो मैं उसका रोना देख ही नहीं पाती थी और एकदम से कैसे भी बैठ बैठ के और पिला देती थी उसको फीड करवा देती थी आ, तो वो चीज़ मैंने थोड़ा सा किया जो कि अभी मुझे प्रॉब्लम हो रहा है वो मैंने आपके शेयर भी किया था बट ठीक है धीरे धीरे हो सकता है वो सही हो जाए सो so, ये थी मेरी जर्नी और आ, सब कुछ अच्छे से हो गया बट हाँ ऐसा नहीं है कि आपको सी सेक्शन बेकार है ख़राब है और बहुत पेन होगा और बहुत दिक्कतें होंगी नॉर्मल डिलीवरी में भी स्टिचेस लगते हैं इनफैक्ट वो तो लोअर स्टिचेस लगते हैं और बहुत ज़्यादा पेन होता है आपको तो वॉशरूम जाओगे टॉयलेट जाओगे बहुत इशू होता है बट हाँ वो तीन चार दिन का पेन रहता है वो जल्दी खत्म हो जाता है वो नॉर्मल हो जाता है बट हाँ इसमें थोड़ी हालत ख़राब होती है स्टमक एकदम लटक जाता है ख़राब हो जाता है थोड़ा सा मतलब क्योंकि आप एक बेबी डिलीवर कर रहे हो तो पूरे ऑर्गेंस आपके इधर उधर हो जाते हैं पूरे एकदम लूज लूज़ आपका पेट हो जाता है चीज़ें तो रहती हैं ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है बट वो दोनों में ही मैं कहती हूँ इक्वली प्रॉब्लम्स तो होती हैं आप नॉर्मल डिलीवरी में उस टाइम आपको मतलब उस वो जो पेन होता है ना उसको वर्ड्स में तो नहीं बोल सकते हैं वो जो एक्सपीरियंस करते हैं उन्हें बहुत अच्छे से मालूम होगा तो वो जरा नॉर्मल डिलीवरी सी सेक्शन दोनों में ही इशू तो होते हैं प्रॉब्लम्स होती हैं पेन होता है बट आ, सी सेक्शन थोड़ा सा क्योंकि डिलीवरी के बाद पेन होता है तो थोड़ा सा बेरेबल होता है आप बेयर कर सकते हो वाला पेन पर नॉर्मल डिलीवरी का ऑब्वियसली बहुत हिम्मत चाहिए क्योंकि मैंने जब टेस्ट कराया एक छोटा सा टेस्ट उसमें इतना प्रॉब्लम हुआ तो मैं समझ सकती हूँ कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता होगा जब बेबी को निकाला जाता होगा तो सो ये था और इसके बाद फिर क्या हुआ क्योंकि हमारे यहाँ पूजा थी ससुराल में तो मैं वहाँ चली गई डायरेक्ट और वहाँ पे आ, बस पूरा अपना जो भी आ, दलिया वगैरह मैंने स्टार्ट किया क्योंकि आ, वैसे डॉक्टर ने चार दिन बाद में जो आ, अगले दिन से ही चाय बिस्किट दे दी थी और आ, खाने में उन्होंने कुछ भी मना नहीं किया था कि सब कुछ खा सकते हो आप सब कुछ मतलब एवरी कुछ भी उन्होंने परहेज़ के लिए नहीं बोला था कि आप ये मत खाओ वो मत खाओ सारी चीज़ें खा सकते हो बट कुछ चीज़ें थी जो क्योंकि ठंड है तो आपको ठंड कर सकती हैं प्रॉब्लम हो सकती है तो मैंने स्टार्ट जो है वो दलिया से किया मैंने हेल्दी फूड ही लिया इनफैक्ट फिफ्टीन डेज़ तक मैंने दलिया 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 ही खाया दलिया दाल दलिया दूध और जो भी मम्मी दादी और ये सब लोग

वो चीज़ मैंने अभी डॉक्टर को दिखाई नहीं जब तक मैं इंटरनल डॉक्टर को नहीं दिखाती हूँ अच्छे से हील नहीं होती तो, तो मैं घी थोड़ा सा कम खाऊँ क्योंकि चिकनाहट होती है उसमें तेल वगैरह कम खाना है ऑलिव ऑयल वगैरह आप यूज़ कर सकते हो डॉक्टर ने कहा था कि ऑलिव ऑयल वगैरह थोड़ा सही हेल्दी होता है तो वो यूज़ कर सकते हो अभी तो स्टिचेस के बाद फिर मैं अपना प्रॉपर एक डाइट चार्ट बनाऊंगी क्या मुझे खाना है जिससे मेरा बहुत ज़्यादा वेट गेन भी ना हो और मेरी बेबी को भी हेल्दी फूड मिले हेल्दी मैं ब्रेस्ट फीडिंग कर पा कर पाऊँ उस उसके लिए सो इसीलिए ना मैं पूरा चार्ट बनाऊंगी बट अभी नहीं अभी मैं बस खा रही हूँ मैं डॉक्टर को दिखाऊंगी उसके बाद फिर अभी भी मैंने बाहर का कम कर दिया बाहर कुछ भी नहीं खा रही हूँ मैं सिर्फ घर में जो भी बन रहा है बट हाँ मैंने खाने की क्वांटिटी अभी बढ़ा रखी है क्योंकि नहीं होता कंट्रोला फीड करवाते हो बहुत जल्दी जल्दी भूख लगती है तो नहीं हो पाता सो गाइस ओवरऑल ये थी पूरी जर्नी मेरी और आपका चॉइस है आप नॉर्मल डिलीवरी की तरफ़ जाओ या सी सेक्शन की तरफ जाओ क्योंकि मेजॉरिटी आजकल ज़्यादा सी सेक्शन इसलिए रहती है क्योंकि कोई बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं जो डॉक्टर्स भी बताते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी ख़ुद की चॉइस भी होती है कि नहीं यार हमें पेन नहीं इतना करना बाद में हम सह लेंगे कोई बात नहीं डिलीवरी के बाद बट अभी नहीं सहना है तो वो एक इंडिविजुअल की चॉइस भी रहती है वो चीज़ अलग है तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है इस चीज़ में आपको ना कोई फोर्स कर सकता है और ना ही करना चाहिए हाँ जी मैं फ़ैमिलीज़ को बोलूँगी कुछ किसी को फोर्स मत करो आ, आप आ, एक जो मदर होती है ख़ुद का चॉइस होना चाहिए आ, तो वो चीज़ मेरे साथ कभी नहीं हुई मेरा खुद का ही डिसीजन था और सब लोग इसमें एग्री भी थे ठीक है अच्छी बात है कोई दिक्कत नहीं है और मेरे लिए वो भी अच्छा था और ठीक है आ, ये था वीडियो और आई होप आपको पसंद आएगा बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगी मैं बस एक आप लोग मुझे मैसेजेस करते थे कि कैसे हो गया नॉर्मल के आप प्लान कर रहे थे वर्कआउट भी करते थे सब कुछ करते थे तो कैसे हो गया तो ये चीज़ मैं बनाना चाहती थी और किसी के साथ कुछ भी एंड टाइम में किसी भी आ, मदर के साथ कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है तो मैं ये बोलूँगी कि आप डॉक्टर के साथ ही जाओ मैं डे फर्स्ट से यही बोलती आई हूँ कि आप डॉक्टर के कहने पर ही रहो आपको लगता है डॉक्टर जैनुन है आपने आप सही डॉक्टर को आपने चूज़ किया है तो आप बिल्कुल उसके कहने पे चलो कि वो कहाँ कहाँ चीज़ आपको बता रहे हैं कोई मन से डॉक्टर नहीं बताता कुछ भी कि उन्हें सी से सेक्शन ही करना है जहाँ मेरा हॉस्पिटल है वहाँ पे डेली नॉर्मल डिलीवरी भी हो रही थी ऐसा नहीं था और इनफैक्ट डॉक्टर ने भी मुझे बोला था कि आप ट्राई कर सकते हो कुछ घंटे रुक जाओ हो सकता है बट वो मेरा डिसीजन था कि मुझे पता था कि अगर प्रोग्रेस नहीं डॉक्टर ने भी कहा कि प्रोग्रेस वन भी नहीं है तो मैंने इसीलिए मैंने उस टाइम पे गिवअप कर दिया कि अब नहीं हो पाएगा इसमें क्या रहता है पेन इंड्यूस करने में जहाँ तक मैंने सुना है थोड़ा सा बेबी के हार्ट बीट क्योंकि मॉनिटर की जाती इसमें प्रॉब्लम जाती है ऊपर नीचे हार्ट बीट होती है सेम ऐसा ही हो रहा था मेरी मेरी भी बेबी की हार्ट बीट मॉनिटर हो रही थी वहाँ पे और उसका भी ऊपर नीचे ऊपर नीचे जा रहा था तो थोड़ा सा मैं डर भी गई थी कि नहीं यार अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया एंड टाइम पर तो प्रॉब्लम हो जाएगा सो so, इसीलिए और आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी uh, जो न्यूली मदर्स हैं जो कंसीव कर रही हैं कंसीव करने की प्लानिंग कर आ, या प्लानिंग कर रही हैं ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं उनके लिए डेफिनेटली तो हेल्पफुल होने वाली है और uh, मैं एक चीज़ बस बोलूँगी कि शायद मुझे कहीं ना कहीं आफ्टर डिलीवरी ये लगा कि मैं अपनी ड्यू डेट तक मुझे वेट करना चाहिए था बट एज़ आई सेड कि मैंने uh, डॉक्टर की बात मानी सो तो इसी लिए मैंने ना अपना मन से कुछ भी दिमाग नहीं चलाया मैंने कहा ठीक है अगर डॉक्टर बोल रही है कि थर्टी तक नहीं रुकना है अभी करना है करना है तो ठीक है उनका भी कहना यह था कि ट्वेंटी टू को अगर करें तो एक दो दिन तो कम से कम लगेगा पेन इंड्यूस करेंगे तो कुछ घंटे या फिर कुछ दिन लगते हैं उसमें से तो एक या डेढ़ दिन लगते हैं तो जब तक पेन वेन होता है डिलीवरी होने में बट uh, मैंने uh, मुझे फिर बाद में रियलाइज़ थोड़ा सा हो रहा था कि यार मुझे थर्टी तक रुकना चाहिए हो सकता है नेचुरल पेन आ जाता बट ठीक है जैसा अभी मेरे लिए लिखा था जब जैसा भी भगवान ने चाहा वैसा हो गया बट बस ये था मेरी बेबी हेल्दी डिलीवर की मैंने और अच्छे से हेल्दी बेबी हुई थ्री पॉइंट फोर उसका वेट था अच्छा खा अच्छा वेट था मतलब uh, क्योंकि डॉपलर स्कैन में उसका वेट कम निकला था तो आप कभी से तो डरना मत कि डॉपलर स्कैन जो होता है लास्ट लास्ट में उसमें वेट कम है बेबी का तो कहीं प्रॉब्लम uh, तो नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि वो एकदम एग्जैक्ट स्कैन नहीं होता बेबी डिलीवर आप करोगे तो हो सकता है कि बेबी का वेट ज़्यादा हो या हो सकता है कि जो आपका स्कैन में ज़्यादा है तो यहाँ पर आप डिलीवर करें तो कम हो तो वो वेरिएशन होते रहते हैं उसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा ज़्यादा बक बक नहीं करूँगी मैं और ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगी और अपना डाइट और जो अपना मेरा वेट लूज़ का जर्नी जो भी आगे रहेगा धीरे धीरे शेयर करूँगी क्योंकि डाइट अभी मैंने फिक्स नहीं की है अपनी इसलिए मैं वो इस वीडियो में शेयर नहीं कर रही उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी सो विदा सो सॉरी सो अभी मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में चिल्ड्रेन बाय बाय टेक केयर एंड स्टे सेफ प्लीज सब्सक्राइब करके जाना